फिल्म बाहुबली देखने के बाद जिस तरह प्रभास के फैंस बाहुबली 2 के लिए बेकरार थे, फिल्म केजीएफ देखने के बाद यश के फैंस जिस तरह केजीएफ 2 के इंतजार में थे, उसी तरह पठान देखने के बाद शाहरुख खान के फैंस अब पठान 2 के इंतजार में हैं। जी हाँ दोस्तों, पठान की सफलता के बाद से ही फैंस पठान 2 को लेकर एक्साइटेड है और इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज बना रहे हैं। और इसी बीच फिल्म के निर्देशक ने भी पठान 2 की स्क्रिप्ट का हिंट दे दिया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि पठान 2 में पठान के साथ कबीर यानी ऋतिक रोशन नजर आ सकते हैं। अब यशराज स्पाई यूनिवर्स के किरदारों और पठान 2 को लेकर फैंस रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी फिल्म या किरदार को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन शायद बातों ही बातों में पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने पठान 2 को लेकर हिंट दे दी है। उन्होंने जिम के प्रीक्वल और कबीर के साथ पठान क्रॉसओवर के सवाल पर रिएक्ट करते हुए पिंक विला से कहा, हाँ बेशक क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है, ये एक यूनिवर्स है और आप इसके किरदारों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये एक प्लेग्राउंड जैसा है, हम जिम का प्रीक्वल कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, क्या हो अगर जिम मरा ही ना हो तो, क्या हो अगर उसने कोई पैराशूट खोल लिया हो तो। वही पठान और कबीर के क्रॉसओवर के बारे में पूछे जाने पर सिद्धार्थ आनंद ने कहा, बेशक ऐसा सोचा भी गया था पहले, लेकिन हमने अभी सिर्फ शुरुआत ही की है इस यूनिवर्स की और अभी ये सभी को एक साथ ले आना काफी जल्दबाजी हो जाएगी। पठान और कबीर को साथ में देखने के लिए लोगों में थोड़ी प्यास जगानी चाहिए। वैसे सिद्धार्थ की बातों से तो ये लग रहा है कि शायद पठान 2 में जिम बने जॉन की वापसी और उसे रोकने के लिए इस बार पठान के साथ टाइगर नहीं बल्कि कबीर हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आप पठान 2 के लिए एक्साइटेड हैं और क्या आप पठान में कबीर को देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।